नमस्कार, मेरा नाम राहुल है। इस वीडियो में हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का भाग थर्ड यानी कि पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट्स के बारे में जानकारी लेंगे। तो इसकी पिछली वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के द राइट टू इक्वलिटी सेक्शन मतलब पर पहुंच गए थे इस पार्ट पर। तो आर्टिकल 14, 15, 16 हमने कवर किया था, तो इसको हम एक बार फिर से देखेंगे क्योंकि वो वीडियो मुझे रोकनी पड़ी थी बीच में कुछ महत्वपूर्ण काम के लिए। तो राइट टू इक्वलिटी से हम स्टार्टिंग करेंगे। ओके, राइट टू इक्वलिटी को हम क्या कहते हैं हिंदी में? इसको हम कहते हैं समता का अधिकार। तो इसके अंतर्गत जो आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 14, इक्वलिटी बिफोर लॉ। देखिए, द स्टेट शेल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि राज्य और भारत के राज्य क्षेत्र, इसमें किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा कोई राज्य। ठीक है, अगला जो है आर्टिकल 15, उसमें उसमें क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि धर्म, जाति, मूलवंश, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद या प्रतिभेद के बारे में इसमें आर्टिकल 15 में बताया गया है। तो देखिए, चलिए देखते हैं। फर्स्ट, द स्टेट शेल नॉट बी डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ओके, ये फर्स्ट वाला है, हमने देखा है। तो इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है किसी नागरिक के विरुद्ध केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर कोई मतभेद नहीं करेगा, यानी विभेद नहीं करेगा कोई भी राज्य। ओके, सेकेंड वाला है, नो सिटीजन शेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम बी सब्जेक्ट टू एनी डिसेबिलिटी, लियबिलिटी, रिस्ट्रिक्शन और कंडीशन विद रिगार्ड टू ए एक्सेस टू शॉप्स, पब्लिक रेस्टोरेंट, होटल्स एंड प्लेसेस ऑफ पब्लिक एंटरटेनमेंट एंड बी द यूज़ ऑफ वेल्स, टैंक्स, बाथिंग घाट्स एंड रोड्स, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और पार्टली आउट ऑफ स्टेट फंड्स और डेडिकेटेड टू द यूज़ ऑफ जनरल पब्लिक। इस आर्टिकल में बताया गया है कोई नागरिक केवल धर्म, मूलवंश या जाति, लिंग, जन्म स्थान इन इनमें से किसी के आधार पर, पहला वाला ए एक्सेस टू शॉप, पब्लिक रेस्टोरेंट, ये वाला दुकानों, सार्वजनिक भोजनालयों, होटलों और सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश और जो मतलब तालाबों, कुओं, स्नान घाटों, सड़कों या सार्वजनिक समागम स्थान जो है कि स्थानों को उपयोग करने के संबंध में किसी भी प्रकार के दायित्व या शर्तों के अधीन नहीं होगा कोई भी। ठीक है, तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है। तीसरा वाला ये पढ़ते हैं, तीसरा वाले में क्या लिखा गया है? तो तीसरे वाले में है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविज़न फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन। यानी कि इस अनुच्छेद में कोई भी बात राज्यों की स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने के लिए कोई स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रेन, यानी कि कोई विशेष प्रोविजन करने के लिए प्रिवेंट नहीं है। ओके, तो इसमें ये बताया गया है। जो फोर्थ वाला है उसे देखते हैं इसमें फोर्थ वाले में क्या लिखा है। नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन क्लूज सेकेंड ऑफ आर्टिकल 29 शेल प्रिवेंट द स्टेट फॉर मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन और फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। इसमें लिखा है यानी कि इस अनुच्छेद मतलब 29, इसमें कोई भी राज्य जो है, राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से, एजुकेशनल की दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए कोई विशेष जो प्रोविज़न है करने की से निर्धारित नहीं करेगा। ठीक है, पढ़ते हैं फिफ्थ वाले को। ठीक है, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है, नथिंग इन दिस आर्टिकल और इन सब क्लूजेस ऑफ क्लूज एल क्लूज फर्स्ट इन आर्टिकल 19 शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल स्पेशल प्रोविजन बाय लॉ फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल्ड क्लासेस और द शेड्यूल ट्राइब्स इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू देयर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाई द स्टेट
other than minority educational institute refer to the clause first of article 30. तो इस फिफ्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, इसके अनुसार जो है कोई भी मतलब कोई बात राज्य को सामाजिक या शिक्षा मतलब एजुकेशनल दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों को किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या फिर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए मतलब कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी वो कोई। ओके, जहाँ तक ऐसे मतलब विशेष प्रोविज़न जो है आर्टिकल 30 के खंड पार्ट फर्स्ट में अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थाओं से भिन्न शिक्षा संस्थाओं में जिनके अंतर्गत उनके प्राइवेट शिक्षा संस्थाएं भी हैं चाहे वे राज्य से सहायता प्राप्त हों या नहीं, यानी इससे संबंधित हैं इस प्रवेश से। ठीक है, अब देखते हैं जो सिक्स वाले में है उसमें क्या लिखा हुआ है। नथिंग इन दिस जो सिक्स वाला है उसमें देखते हैं, नथिंग इन दिस आर्टिकल ऑफ सबक्लूसेस ऑफ क्लूज फर्स्ट ऑन आर्टिकल 19 ऑफ आर्टिकल 29 शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग, यानी कि इस अनुच्छेद 19 के खंड फर्स्ट और उपखंड 6 यानी उपखंड जो है हमारा 19 उपखंड जी हाँ सबक्लूसेस जी या अनुच्छेद 29 के खंड 2 के कोई भी बात मतलब राज्य को। अब देखते हैं ए और बी में क्या लिखा हुआ है। ए में लिखा है एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीज एंड अदर देन द क्लासेस मेंशन इन क्लूजेस 4 एंड 5, यानी कि खंड 4 और 5 में के मतलब के अनुसार भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रोविजन करने से निवारित नहीं करेगा। ठीक है, तो इसमें लिखा गया है। और बी वाले में लिखा है एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सिटीजन्स अदर देन द क्लासेज मैंशन इन द क्लूजेस 4 एंड 5 इन सो फार एज सच स्पेशल प्रोविजन रिलेट टू दियर एडमिशन टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वेदर एडेड और अनएडेड बाई द स्टेट अदर देन द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रिफर्ड टू द क्लूजेस फर्स्ट ऑफ आर्टिकल 30 विच इज इन द विच इन द केस ऑफ रिजर्वेशन वुड बी एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10% ऑफ द टोटल सीट इन ईच कैटेगरी। इसमें लिखा गया है खंड 4 और खंड 5 में जो लिखा गया है यानी कि भिन्न भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के उन्नत मतलब किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष प्रोविज़न करने से वहाँ निवारित नहीं करेगा कोई राज्य, जहाँ तक ऐसे उपबंध ऐसे मतलब एजुकेशनल जो इंस्टीट्यूट हैं जिनके अंतर्गत आर्टिकल 30 के पार्ट 1 में जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाएँ हैं भिन्न भिन्न प्राइवेट शैक्षणिक संस्थाएँ भी हैं चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली हों या सहायता ना पाने वाली हों फिर भी इससे संबंधित है जो आरक्षण की दशा में विद्यमान आरक्षणों के अतिरिक्त तथा प्रत्येक मतलब प्रत्येक वर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम मतलब मैक्सिमम 10% के अधीन होंगे। ओके, तो इसमें यह लिखा गया है रिजर्वेशन वुड बी एडिशन टू द एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10% ऑफ द टोटल सीट्स इन ईच कैटेगरी। एक्सप्लेनेशन नीचे लिखा गया है फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल एंड आर्टिकल 16 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन शैल बी सच एज मे बी नोटिफाइड द स्टेट फ्रॉम द टाइम टू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ फैमिली इनकम एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ इकोनॉमिक डिसएडवांटेज। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया हमारा, इसमें लिखा गया है इस आर्टिकल 16 के अनुसार यानी कि आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग में जो है राज्य द्वारा मतलब आय और इनकी जो अन्य सूचकों के आधार पर मतलब समय समय पर मतलब अधिसूचित किया जाएगा इनको, यानी कि ठीक है इनके आर्थिक लाभ जो है। तो अब देखते हैं आर्टिकल 16 को। तो आर्टिकल 16 में क्या कह रहा हमारा, आर्टिकल 16 है हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी यानी कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता। अब देखिए इसका फर्स्ट वाला देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर्स ऑफ रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट, यानी कि इसमें लिखा गया है किसी भी राज्य मतलब किसी भी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों को समान अवसर होता है मतलब अवसर की समता होती है। सेकेंड वाले में क्या लिखा गया है, सेकेंड वाले में लिखा गया है नो सिटीजन सेल ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन रेस कास्ट सेक्स डिसेंट प्लेस ऑफ बर्थ रेजिडेंस और एनी ऑफ देम बी इन एलिजिबल फॉर और डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस अंडर द स्टेट। इसमें लिखा गया है
नहीं किसी भी राज्य मतलब राज्य के अधीन किसी नियोजन या पद के संबंध में केवल धर्म मूल वंश जाति लिंग उद यानी जन्म स्थान निवास यानी में से किसी भी आधार पर ना तो कोई नागरिक अपात्र होगा ना ही उसे इसमें कोई मतभेद किया जाएगा, ठीक है, यानी कोई विभेद किया जाएगा। देखते थर्ड वाले में क्या लिखा गया है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम द मेकिंग एनी लॉ बाय प्रेस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लासेस क्लास और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द गवर्नमेंट और एनी लोकल और अदर अथॉरिटी विद इन द स्टेट और यूनियन टेरेटरी और एनी रिक्वायरमेंट एज टू रेजिडेंट विद इन द स्टेट और यूनियन टेरेटरी प्रियर टू सच अ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है इस अनुच्छेद इस आर्टिकल में कोई भी बात मैंने संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी जो कि किसी मतलब जो कि मतलब किसी राज्य या राज्य क्षेत्र की सरकार की या उसमें में किसी स्थानीय या अन्य अधिकारी मतलब अधीन वाले किसी वर्ग या वर्गों के नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति पहले उस राज्य को संघ राज्य क्षेत्र के भीतर मतलब कोई भी अपेक्षा मतलब विहित करती है वो कोई भी। ओके, नथिंग इन दिस आर्टिकल शिल प्रिवेंट पार्लियामेंट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ प्रेस्क्राइबिंग इन रिगार्ड टू अ क्लासेस और क्लासेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एन ऑफिस, यानी कि इस आर्टिकल के अनुसार कोई भी संसद कोई भी बात संसद की कोई ऐसी विधि बनाने से निवारित नहीं करेगी। ओके, अब देखते हैं फोर्थ वाले में क्या लिखा हुआ है, नथिंग इन दिस आर्टिकल शेल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स और पोस्ट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन विच इन द ओपिनियंस ऑफ द स्टेट इज नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विस अंडर द स्टेट। तो इसमें क्या लिखा गया है, इसमें इस आर्टिकल के अनुसार कोई भी बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में यानी कि जिनका प्रतिनिधित्व जो है राज्य की राय में या राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है तो अपॉइंटमेंट या पदों के आरक्षण के लिए इसमें जो है उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ओके, अब देखते हैं ये 4A में क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन इन मैटर्स ऑफ प्रमोशन कंसिक्वेंशियल सीनियोरिटी और एनी क्लास और क्लासेस ऑफ पोस्ट इन सर्विस अंडर द स्टेट इन फेवर ऑफ द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स विच इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन सर्विस अंडर द स्टेट। ठीक है, तो देखिए इस 4K का सेक्शन में लिखा गया है इस आर्टिकल में कोई भी बात जो है राज्य को अनुसूचित जाति और जनजाति के पक्ष में जिनका मतलब प्रतिनिधित्व जो है राज्य की मतलब राय में राज्य के अधीन सेवाओं के में पर्याप्त नहीं है या राज्य के अधीन सेवाओं में मतलब किसी भी वर्ग या वर्गों के पदों में जैसे कि प्रोन्नति के मामलों में प्रमोशन के मामलों में आरक्षण के लिए प्रोविजन करने से निवारित नहीं करेगा। ओके, अब देखते हैं 4B में क्या लिखा गया है, देखिए इसमें जो लिखा गया है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम द कंसीडरिंग एनी अनफिल्ड वैकेंसी ऑफ ए ईयर विच आर रिजर्व फॉर बीइंग फिल्ड अप इन दैट ईयर इन अकॉर्डेंस विद एनी प्रोविजन फॉर रिजर्वेशन मेड अंडर क्लोजेस 4 और क्लोजेस 4A एज अ सेपरेट क्लास और वैकेंसीज टू बी फिल्ड अप एनी सक्सीडिंग ईयर और ईयर्स एंड सच अ क्लासेस ऑफ वैकेंसीज शैल नॉट बी कंसीडर्ड टुगेदर विद द वैकेंसीज of the year which they are being filled for determining the ceiling of 50% reservation on total number of vacancy of that year। ठीक है, इस आर्टिकल में कोई भी बात जो है राज्य को किसी भी वर्ष में किन्हीं ना भरी गई ऐसी वैकेंसी जो हो मतलब ना भरी गई ऐसी रिक्तियां जो हैं जो कि इसके पार्ट 4 में मतलब इसके अधीन किए गए रिजर्वेशन के किसी भी प्रोविजन के अनुसार उस वर्ष में भरी जाने के लिए आरक्षित रिजर्व हों तो उस वर्ष या उस वर्ष में भरे जाने के लिए पृथक यानी अलग वर्गों की रिक्तियों के रूप में विचार करने के लिए निवारित नहीं करेगी और ऐसे वर्ग की रिक्तियां उस वर्ष की रिक्तियों के साथ जिसमें वे भरी जा रही हैं उस वर्ष की रिक्तियों की कुल संख्या के संबंध में 50% रिजर्वेशन की अधिकतम सीमा को अवधारण करने के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ओके, अब देखते हैं ये 5th वाले में क्या लिखा गया है, देखते हैं 5th वाले में लिखा गया है
Nothing in this article shall affect the operation of any law which provides that the incumbent of an office, यहाँ देखिए office connection with the affairs of any religious, denominational, denominational institute or any member of the governing body shall be a person professing a particular religion or belonging to a particular denomination. यानी कि इस आर्टिकल में कोई भी बात ऐसी विधि के उसमें प्रभाव नहीं डालेगी जो कि है उपबंध करती है यानी कि गवर्निंग जो कि ये मतलब उपबंध करती है कि किसी भी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था के मतलब से संबंधित कोई भी पदाधिकारी या उसके शासी निकाय से कोई सदस्य किसी विशिष्ट धर्म को मानने वाला या विशिष्ट संप्रदाय का ही हो. ओके, तो इसमें ये लिखा गया है. सिक्स वाले में देखते हैं, सिक्स वाले में क्या लिखा गया है. सिक्स वाले में लिखा गया, नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट और इन फेवर ऑफ एनी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इन सिटीजन अदर देन द क्लासेस मेंशन इन क्लूज फोर in addition to existing reservation or subject to maximum of 10% of the post of each category. सिक्स वाले में लिखा गया है इस आर्टिकल में मतलब कि मतलब राज्य से विद्यमान कोई भी आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक वर्ग में पदों के अधिकतम जो है मैक्सिमम 10% के 10% जो है जो खंड फोर जो हो गया अपना जो क्लूज फोर है उसमें मतलब उसमें उल्लिखित वर्गों से भिन्न भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप में दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियां और पदों के आरक्षण के लिए कोई भी प्रोविजन करने मतलब कोई भी इंक्यूबेट करने से निवारित नहीं करेगा. इसमें ये लिखा गया है. ठीक है, अब देखते हैं आर्टिकल 17 में क्या लिखा गया है. आर्टिकल 17 जो है उसमें लिखा गया है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. ठीक है, अनटचेबिलिटी के बारे में इसमें लिखा गया है आर्टिकल 17 में. अनटचेबिलिटी इज अबोलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म ऑफ इज फॉरबिडन. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be an offence punishable in accordance with the law. Okay, untouchability जो है इसका अंत किया जाता है और इसका मतलब उसका किसी भी रूप में आचरण जो है निषिद्ध किया जाता है. ठीक है, तो जो untouchability है इससे मतलब किसी भी जो इसको लागू करना अपराध होगा और विधि के अनुसार दंडनीय होगा. ये है इस आर्टिकल में लिखा गया है. आर्टिकल 18 को देखते हैं. आर्टिकल 18 में क्या लिखा गया है, अबोलिशन ऑफ टाइटल्स. अबोलिशन ऑफ टाइटल यानी कि उपाधियों का अंत, जो उपाधियां हैं उनका अंत. देखिए फर्स्ट वाले को पढ़ते हैं. देखिए, नो टाइटल नॉट बीइंग अ मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट. देखिए इसमें लिखा गया है राज्य या सेना या इससे संबंधित कोई भी सम्मान के सिवाय मतलब विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय कोई भी उपाधि प्रदान नहीं करेगा. ठीक है, सेकेंड वाले में क्या लिखा गया है, नो सिटीजन ऑफ इंडिया शैल एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. इसमें लिखा गया है कि भारत का कोई नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा. थर्ड वाले में क्या लिखा है, थर्ड वाले में लिखा है, नो पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया शैल वाइल ही होल्ड्स एनी ऑफिस और प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट एक्सेप्ट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट. इसमें लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और राज्य के अधीन लाभ या विश्वास के किसी पद को धारण करते हुए किसी भी विदेशी राज्य से कोई उपाधि या राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा. इसमें लिखा गया है. फोर्थ वाले में क्या लिखा गया, इसमें लिखा है, नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट शैल विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट एनी प्रेजेंट इमोल्यूमेंट और ऑफिस ऑफ एनी काइंड फ्रॉम अंडर द एनी फॉरेन स्टेट. इसमें लिखा गया है राज्य के अधीन लाभ या विश्वास का पद धारण करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी विदेशी राज्य या उसके अधीन किसी भी रूप में कोई भी भेंट उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सहमति के बिना स्वीकार नहीं करेगा. ठीक है, तो ये जो था हमारा राइट टू इक्वलिटी जो था समता का अधिकार हमने पढ़ा है. तो आर्टिकल 18 तक इसमें हमने कवर किया है. इसकी अगली वीडियो में हम राइट टू फ्रीडम के बारे में जानेंगे. धन्यवाद.